Assalamualaikum everyone, this is Bilal from VideoWaliSarkar और आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ ये Vivo का पहला फोन है 2021 में और इस मोबाइल फोन का नाम है Vivo Y20s। अब यहाँ पर जो S है उसके साथ हमें थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने Vivo का जो Y20 है उसके ऊपर एक नज़र डाली थी। Vivo Y20s का जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है वो 4GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है और जहाँ तक बात है बॉक्स की तो देखने में जो बॉक्स की लुक है वो Vivo की 2020 में जो Y सीरीज आई है उस जैसी ही है, मोर और लेस वही कलर स्कीम्स को यूज़ किया गया है। बैक साइड पर अगर आप इस मोबाइल फोन के हाइलाइट्स की बात करते हैं तो वो मेंशन किए गए हैं जो कि 18 वॉट का फ्लैश चार्ज है, 5000 mAh की बैटरी है, AI ट्रिपल मैक्रो कैमरा यहाँ पर दिया गया है और ये जो कलर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ये प्योरेस्ट ब्लू के नाम से है। अब बिफोर अनबॉक्सिंग दिस डिवाइस मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो 29,999 है जो कि मेरे हिसाब से इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस को किसी हद तक जस्टिफाई नहीं करता अगर आप इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है वो हर दिन बढ़ रहा है एंड आई बिलीव के अब वो पॉइंट आ गया है कि हर कंपनी बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाए क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो गई हैं। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चीज़ मेरे हिसाब से थोड़ी सी दूसरे ब्रांड्स की नस्बत कम है वो इस मोबाइल फ़ोन का चिपसेट है। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 460 का चिपसेट देखने को मिल रहा है जबकि अगर आप बात करते हैं इस प्राइस कैटेगरी की तो कुछ ब्रांड स्नैपड्रैगन 662 प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मुझे मतलब जो सबसे अजीब चीज़ लगी है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मुझे रिडीमिंग फीचर एटलीस्ट स्पेसिफिकेशंस वाली साइट पर तो नज़र नहीं आया। लाइक इस मोबाइल फ़ोन में कोई भी एक ऐसा फैक्टर नहीं था जिसको देखकर कहा जा सके कि ठीक है अगर प्रोसेसर नहीं है तो ये चीज़ है जो कि ये मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करता है। एज़ फार एज़ द ओवरऑल थिंग इज़ कंसर्न तो मुझे बुरा नहीं लग रहा। बॉक्स को ओपन करते साथ आपको ये बुकलेट देखने को मिल जाता है जिसमें आपको कुछ पेपर वर्क और एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है एक सिलिकन केस जो कि साइड से ओपन है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जिसका मतलब है इसके अंदर दिया गया है जो कि एक अच्छी बात है। इस प्राइस कैटेगरी में थोड़ा सा डिटेल के ऊपर ध्यान दिया गया है और उसके बाद आपको जो चीज़ देखने को मिल जाती है वो है आपकी डिवाइस जिसको हम यहाँ पर टर्न ऑन कर लेंगे और बाय द टाइम ये फ़ोन टर्न ऑन होगा हम बॉक्स के अंदर जो बाकी सामान है उसके ऊपर एक नज़र डाल लेंगे। यहाँ पर जो एक्सेसरी किट है उसके अंदर आपको एक माइक्रो यूएसबी की केबल देखने को मिल रही है जो कि अगेन एक ऐसी चीज़ है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 2021 में हमें एक नई डिवाइस में देखने को मिलेगी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि टाइप सी इंक्लूडेड होगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको जो चार्जिंग ब्रिक साथ देखने को मिलती है वो 18 वॉट की चार्जिंग ब्रिक है तो ऑल दो ये माइक्रो यूएसबी को सपोर्ट करती है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है वो ये सपोर्ट करती है और Vivo की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का मैं फ़ैन हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये काफ़ी यूनिवर्सल फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं तो अगर आपके पास कोई जनरल जो जेनेरिक फास्ट चार्जर आते हैं क्वालकॉम वाले वो भी अवेलेबल हैं तब भी आप इनका जो यूज़ है वो कर सकते हैं। भाई ये जैकेट आज मैंने बड़े से बात पहनी और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि थोड़ी बहुत छोटी हो गई है तो उसकी वजह से चीज़ें वजब रही हैं, नेक्स्ट टाइम से हम चेंज कर लेंगे। खैर जो फ़ोन है वो यहाँ पर इस प्लास्टिक रैप के अंदर मौजूद है, इसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और मैं वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था भाई मुझे इस फ़ोन का रिडीमिंग फीचर नहीं नज़र आ रहा। आई थिंक इसका जो सबसे बड़ा रिडीमिंग फीचर होने वाला है वो इस मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन होने वाला है क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये जो प्योरेस्ट ब्लू है ये देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है एंड आई मीन इट। लाइक ये प्लास्टिक बिल्ड में आता है जो कि मुझे पता है Vivo हमेशा से प्लास्टिक में देती है, लेकिन यार इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और कोई भी बंदा इस चीज़ को देखकर यही कहेगा कि यार ये ग्लास है क्योंकि इसकी जो लुक और फिनिश है वो बहुत अच्छी है। नीचे वाली साइड पर आपको माइक्रो यूएसबी की पोर्ट मिल जाती है, हेडफोन जैक अवेलेबल है, ऊपर वाली साइड खाली है, साइड पर आपको आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और दूसरी साइड पर जो सिम स्लॉट्स हैं वो दी गई हैं। मैं अभी जो सिम सिचुएशन है वो देख लेता हूँ क्योंकि भाई बाद में मैं भूल जाऊँगा और आपके नीचे कॉमेंट्स आ रहे होंगे बिलाल भाई आपने इस दफा फिर सिम कार्ड को नहीं दिखाया, अब तो वो बात ही बन गई है। कुछ लोग सिर्फ यही कमेंट करते हैं फिर हो गया बिलाल भाई फिर सिम कार्ड नहीं दिखाया, तो हम सिम कार्ड दिखाएंगे यार। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड डल जाएंगे तो सरप्राइजेज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और ना ही सरप्राइजेज हैं। यहाँ पर आपके पास एक फुल फ्लेज सिम कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल है तो दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ऑल दो आई डोंट थिंक सो कोई भी बंदा मेमोरी कार्ड यूज़ करेगा क्योंकि जहाँ तक बात है स्टोरेज की ये मोबाइल फ़ोन 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। लैंग्वेज हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं इस मोबाइल फ़ोन को जल्दी सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई तो फोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है और सबसे पहली चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो OS है वो फन टच OS है। ये Vivo का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये Android 10 के ऊपर बेस्ड है। अब मैं Vivo के फ़ोन्स के ऊपर इससे पहले Android 11 भी यूज़ कर चुका हूँ जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा क्लीन हो गई है
यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्लीन सब कुछ देखने को मिलता है और काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि गूगल की अपनी एप्लीकेशंस हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप फाइल्स की एप्लीकेशन की बात करते हैं, आपको बिल्टन देखने को मिल जाती है। प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, लाइकी की एप्लीकेशन आपको पहले से मिलती है और फेसबुक जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आ रही है। अदर देन दैट वीवो की 2-3 अपनी ऐप्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है एज़ कम्पेयर टू बाकी डिवाइसेस। और काफ़ी ऐसे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो कैमरा सिचुएशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा दिया गया है उसकी रेजोल्यूशन मुझे कुछ खास लग नहीं रही। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर रेजोल्यूशन थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन ये वीवो का कैमरा है तो आपको जो कैमरा में स्किन टोन्स हैं वो काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, ऑल दो जो रेजोल्यूशन है वो मुझे कम लग रही है। अदर देन दैट अगर आप बैक साइड के कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है इसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और बाकी 2-2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर लगाए गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बमर है बिकॉज 30,000 के प्राइस टैग के अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ज़रूर देना चाहिए था। और अगेन वही बात जो मैंने पहले स्टार्ट में की थी कि कोई ऐसी बड़ी हाईलाइट नहीं है इस मोबाइल फ़ोन की जो कि इस मोबाइल फ़ोन को कह सके कि यार हाँ दिस इज़ द डिवाइस टू लुक फॉर। इसके अलावा साइड पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। फ्रंट कैमरा जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से आपकी फेस आईडी का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा में आपको बोके मोड देखने को मिल जाता है। वीडियो के अंदर आपके पास मैक्सिमम जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो 1080p यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप मोर सेटिंग में जाते हैं तो आपके पास लाइव फोटो की ऑप्शन अवेलेबल है। जो चीज़ मुझे यहाँ पर मिसिंग लग रही है वो है नाइट मोड। यहाँ पर नाइट मोड की जो फैसिलिटी है वो भी नहीं दी गई। अगेन इस प्राइस कैटेगरी में आई वाज एक्सपेक्टिंग के इसके अंदर जो नाइट मोड की फैसिलिटी है वो अवेलेबल होगी। अदर देन दैट जो फ़ोन की ओवरऑल लुक एंड फील है वो एक काफ़ी प्रीमियम लुक एंड फील है और आई थिंक ये उन्हीं डिवाइसेस में फॉल करेगा जो कि लोकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेल आउट होंगी, क्योंकि देखने में फ़ोन बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है और जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से कवर किए गए हैं। 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, ज़्यादा रैम है, ज़्यादा स्टोरेज है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो आई थिंक ये उसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं जिस तरह से आजकल हमने कुछ और डिवाइसेस को भी देखा है। लेकिन एज फार एज द डायरेक्ट कंपटीशन इज कंसर्न तो इस मोबाइल फ़ोन का भाई कंपटीशन इस प्राइस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है और मुझे इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी ऐसा रिडीमिंग फीचर नहीं लगा जो कि मैं कह सकूँ कि हाँ यार दिस इज़ द रीज़न टू बाय दिस डिवाइस। क्योंकि इवन जो डिस्प्ले है वो 720p का लगाया गया है जो कि मेरे हिसाब से एटलीस्ट 1080p होना चाहिए था, और अगर एमोलेड होता तो शायद एक ऐसा फीचर बन जाता जो कि हमें इस प्राइस कैटेगरी में नहीं मिल रहा। लेकिन अदर देन दैट ओवरऑल डिवाइस में कोई मसला नहीं है, डिवाइस काफ़ी डिसेंट दिखने में डिसेंट है, यूज़ करने में काफ़ी मज़ेदार है, और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि स्पेक्स में नहीं जाते तो शायद आपके लिए एक अच्छी डिवाइस हो। क्योंकि अगर आप एक वीवो यूज़र हैं तो आपके पास इस टाइम पर इस प्राइस कैटेगरी में यही ऑप्शन है, वरना आपको इससे ऊपर जाना पड़ेगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि Y20s के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपको ये फ़ोन कैसा लगा है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वीवो आने वाली डिवाइसेज में क्या नए फीचर्स इंक्लूड करेगी। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।